नमस्कार नाउ, आइए आज जानते हैं साइंस के खोज से हमारा जीवन परेशान हो रहा है या हम बर्बाद हो रहे हैं या आबाद हो रहे हैं। आप भी पूरा वीडियो देख के बताइए कि साइंस का जीवन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गांव में हम लोग कुएं के पानी पीते थे, आज आरओ के पानी पी रहे फिर भी अस्वस्थ हो रहे हैं हम। कोलू के पेरा हुआ मैला सा तेल हम लोग खाते थे पहले, अब हम खा रहे हैं डबल ट्रिपल रिफाइंड तेल, फिर भी हम अस्वस्थ हो रहे हैं, क्यों? कोयला नमक तेल से हम मुंह धोते थे, दांत 100 साल तक 80 साल तक टकाटक रहता था, अभी के लोगों का दांत 30-40 साल में खराब हो रहा है। इतना सारा पेस्ट आने के बाद भी इसका जवाब किसी भी साइंस के पास नहीं है। पहले की महिला 7 से 8 बच्चे देती थी फिर भी स्वस्थ रहती थी, 80 साल तक अपना सब काम कर सकती थी। आज की महिला 1 से 2 बच्चे दे दे पेट चीर के डॉक्टर्स का हाल ये कर देता है कि वो 10 किलो का वजन नहीं उठा सकती है। इसका जवाब नहीं है साइंस के पास, क्यों? आजकल के बच्चे के पास बहुत सारे खिलौना है, सोशल मीडिया है, फिर भी वो बच्चा तनावग्रस्त रहता हमेशा हमेशा, और वो पहले जैसे बच्चा एकदम खुशी से खेलता था वैसा उसका दिमाग एकदम परफेक्ट था वैसा आज के बच्चे के पास में नहीं है। इसका जवाब नहीं है साइंस के पास, क्यों? पहले कच्चे मकान हुआ करते थे गाँव में और मकान की संख्या भी कम हुआ करते थे, फिर भी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज के बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी गलत है। मेरे हिसाब से साइंस का हर खोज हमारे लिए घातक हो रहा है, उम्र कम हो रहा है, बहुत सारी बात हो रहे हैं। तो दोस्तों आप बताइए साइंस आपके लिए कैसा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो थैंक